अशोक सिद्धार्थ जी, यस, यू हैव 3 मिनट्स। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मान्य मैडम, जैसा कि मैंने अभी स्वास्थ्य मंत्री जी को सुना और अपने तमाम सदस्यों को सुना, उन्होंने ये कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक बहुत ही अच्छी पद्धति है और देश की गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए सस्ती पद्धतियां होने के बाद भी जो इस पद्धति के माध्यम से इलाज करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में तमाम साथियों ने हमारे चर्चा की, लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि ये पद्धतियां, चाहे वो भारतीय चिकित्सा पद्धति हो चाहे होम्योपैथिक शिक्षा पद्धति हो, ये पद्धतियां देश की जनता के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार ऑर्डिनेंस लाना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से ये बताना जानना चाहता हूं कि क्या गारंटी है इस बात की कि जो 1973 के एक्ट की कमियों में सुधार करने के लिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो काउंसिल बनाई गई थी और उसने अपना कार्य समय से पूरा करने का नहीं किया, जिन लोगों ने कार्य समय से पूरा नहीं किया, क्या उनके खिलाफ या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का की आगे की कोई योजना सरकार की है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो बार बार अगर उन्हीं को फिर समय बढ़ा करके दिया जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो अगले एक साल के और समय को दिए गए समय में वो इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे और पारदर्शिता के साथ करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा? जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि पूरे देश में, चाहे वो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे होम्योपैथिक के हो, उनको द्वयम दर्जे का अस्पताल और वो समझा जाता है। क्यों द्वयम दर्जे समझा जाता है कि माना जाता है कि ये तो झोला छाप डॉक्टर लोग हैं। ऑनरेबल मेंबर, यू विल हैव टू स्टार्ट वाइंडिंग अप प्लीज। जस्ट बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ आपके निर्देश के अनुसार। जो इन पद्धतियों को हमेशा द्वयम दर्जे का इसलिए माना गया क्योंकि जो एलोपैथी भारत में आई वो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई और हमारी मानसिकता में अंग्रेजों की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए इन पद्धतियों, जो भारतीय पद्धतियां जो जीवक के समय से लेकर के और हनीमैन के समय तक की होम्योपैथिक पद्धति है जिससे हम गरीबों को सस्ता और आसान तरीके का इलाज दे सकते हैं, उस पद्धति का इलाज नहीं किया जाता। मैं सरकार से इस बात जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेंगे क्या उनमें SC ST के लोगों को भी गवर्नर्स बनाने का काम किया जाएगा? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब जरूर दें। थैंक यू। श्री संजय सिंह जी, यू हैव